और यहां तो फॉग चल रहा है। जी हाँ, कोहरे की चादर में लिपटी रांची हर तरफ बस कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। यहाँ पर 15 मीटर से भी कम हो चुकी है विजिबिलिटी और दिन में ही वाहनों के लाइट्स जलाने पड़े हैं। ये देखिए, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि रांची में किस कदर फॉग चल रहा है। और मौसम कैसा है, फॉग कितना गहरा है और विजिबिलिटी क्या है, इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी अंजनी से। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं रांची से। अंजनी, आपके पीछे की तस्वीरें बहुत धुंधली हैं, मौसम बहुत ही ज्यादा सर्द होता हुआ और कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी रांची। देखिए आरती, आज जो जो सुबह जो तमाम लोग जो घरों से निकले होंगे तो ये दृश्य जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से जो सफेद चादर जो है पूरे रांची को ढक लिए है, और अमूमन जो ये दृश्य हिल स्टेशन में हम लोग देख पाते हैं, तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि एक पुरानी रांची की याद आ गई है। और लो विजिबिलिटी है, इसका सीधा असर जो है वायुयान के आने जाने पे जरूर पड़ेगा, और थोड़ी देर के बाद भी खबरें हम लोगों के पास आ जाएगी कि कई जो हवाई जहाज है उनके रूट डाइवर्ट भी होंगे। लो विजिबिलिटी है, थोड़ा दृश्य दर्शकों को दिखला दें, जिस तरह से अब थोड़ी थोड़ी जो है पहाड़ी मंदिर अब दिखाई दे रही है, थोड़ा जो जो घना कोहरा जो था अब धीरे धीरे छट जरूर रहा है, लेकिन अभी भी जो है पूरी रांची जो है घने कोहरे में लिपटी हुई है। तो ऐसा दृश्य देखने के लिए कई लोग अपने घरों से निकल आए हैं, छत से भी देख रहे हैं, तो ये दृश्य काफी कम दिखाई देता है, और ऐसे में विजिबिलिटी काफी कम है और ठंड बढ़ गई है, कनकनी है। ऐसे में ये जरूर जो मौसम विभाग ने भी कहा है कि लगातार तापमान में गिरावट आते जाएगी, तो जो अधिकतम तापमान है कल भी लगभग 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई थी, और आज भी जिस तरह से बताया गया है कि लगातार तापमान में गिरावट आएगी, मतलब ठंड लगातार बढ़ते जा रही है। तो वैसे में जरूर एक सलाह दी जाती है कि जो छोटे बच्चे हैं या हृदय के जो रोगी हैं, वैसे लोगों के लिए थोड़ा प्रिकॉशंस जरूर लेना चाहिए, और अपना भी ख्याल तमाम लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि ठंड जो है, ठंड से लोगों की परेशानी जरूर बढ़ती है, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने में बच्चे भी परेशान होते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं। तो अब जो है थोड़ी धूप अब जो है बाहर निकली है, लेकिन सुबह सुबह जो है पूरी रांची घने कोहरे के चादर में लिपटी बिल्कुल अंजनी घने कोहरे में लिपटी हुई है रांची, और जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई हैं, और जैसे कनकनी बढ़ी है, सर्दी बढ़ी है, ऐसे में जो गर्म पेय है, चाय कॉफी, और फिर आपने कहा कि जो दिल के मरीज हैं उनके उनको अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है, तो सलाह जरूर डॉक्टरों की माने, वो अपने अपना सेहत अपने सेहत का ख्याल जरूर रखें। लेकिन अंजनी, अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हें होती है जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, सुबह सुबह उठना और जल्दी जाना, बस स्टॉप तक पहुंचना, वो काफी दिक्कतों भरा होता है। तो जाहिर है अगले 1-2 दिन में प्रशासन भी ये फैसला ले कि स्कूल बंद हो और बच्चों की छुट्टियां हो जाएं। देखिए अब जो है जिस तरह से तापमान में गिरावट आ रही है, तो वैसे में स्कूल जो है बंद होने चाहिए, क्योंकि कल मैं एक रिपोर्ट भी दिखाया था, लोग जो बच्चों के अभिभावक हैं, बच्चे भी कह रहे थे कि स्कूल अब जो है बंद होना चाहिए, लेकिन अब जो है 1-2 दिन के बाद जो है विंटर वेकेशन हो जाएगा, क्रिसमस की छुट्टियां होंगी, तो बच्चे अपने अपने घरों में जरूर रहेंगे। लेकिन दूसरी एक बात यह भी है कि अभी रांची में कहीं पर भी अलाव नहीं जलता है, जो सड़कों पे जिनकी जिंदगी गुजरती है, जो रिक्शा वाले हैं उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनका विशेष ख्याल रखना चाहिए, तो प्रशासन को भी थोड़ी चौकसी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि ठंड रैन बसेरों के पास जो है अलाव जलाने की व्यवस्था है, वो सब प्रशासन को थोड़े ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, और जाहिर है आपको भी ठंड लग रही है तो अपनी भी सेहत का ख्याल रखें अंजनी। वैसे तस्वीरें जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं बेहद खूबसूरत, पुरानी रांची की याद दिलाती हुई, हिल स्टेशन कहा जाता था रांची, अभी भी कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से पर्यावरण में लगातार बदलाव आए, तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर जो अब सामने आई है ये कहीं गुम सी होती हुई थी, लेकिन ठंड में ये तस्वीर, यही खासियत है राजधानी रांची की, जिसकी वजह से हिल स्टेशन रांची कहा जाता है। ये देखिए तस्वीरें, लो विजिबिलिटी
और कुछ भी नहीं दिखता, किस तरह घने कोहरे में लिपटी हुई राजधानी।